ओके दोनों इसमें हो जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस. ओके फर्स्ट हम चलेंगे कुर्ग, जिसे बोलते हैं हेवन. ओके फर्स्ट जो क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पे आया है. आंसर कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. This land of rolling hills is also known as Kodagum. Next question है आपका जो important है. What is the story about the Kodagum people's descent? Okay, answer है the Kodagum people descended possibly from the Greeks or the Arabs. A part of the Alexander's army moved south along the coast. They settled down there because their return became impractical. Their traditions, marriage and religious rites are distinct from the Hindu mainstream. The theory of their Arab origin grows from a long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodagums known as Kufia, resembles the kufia worn by the Arabs. Okay, Arab में जो kufia थे वो लोग kufia पहनते थे. Okay, there are two words. हाँ, misconception मत करना. वो जो उनका वेरी था ना पहनने वाला था जो उनका, इसे बोलते हैं kufia. और जो अरब के लोग थे ना जो ये पहनते थे उनको बोला जाता था कुफिया. समझ में आयो? तो अच्छा, नहीं आया दोबारा करें, कोई टेंशन नहीं है ना. देखो रिजेंबल्स द कुफिया बोर्न बाय द अरब. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट द पीपल ऑफ. देखो किस तरह से है, एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट, फिर फर्स्ट करके द पीपल ऑफ कुर्ग, द मेन ग्रुप ऑफ ट्रू कुर्ग, एंड थर्ड जो है आपका द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, फोर्थ है आपका द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, फिफ्थ है from Bangalore and how to get there. ऐसा है. ओके तो मैं बोलती जाऊंगी आप लिखते जाओ. पहले आप ऐसा लिखो what are some of the things you now know about, उसमें करो first. ओके first में लिखो the people of Kurg question mark, उसके नीचे answer first करके लिखो the people of Kurg are a proud race of martial race of men and beautiful women. They are fiercely independent. They are possibly of Greek or Arabic descent. Kurgi homes are famous for their hospitality. The Kurg regiment is the most decorated regiment in the Indian army. Ab usi mein next karke karo number 2. The main crop of Kurg, उसमें आंसर लिखो the air of Kurg breeds of coffee. Coffee estates and colonel bungalows stand tucked under trees. Third है the sports it offers to tourists, उसका आंसर लिखो Kurg offers high energy adventures like river rafting, canoeing, rock climbing, mountain biking and trekking. Fourth में लिखना है the animals you are likely to see in Kurg, उसमें आंसर लिखो macaque,
मंकी टाइप का है, आप देख लेना, वो मैंने भी देखा ही था। ओके गूगल पे मैकेट, फिर मालाबार स्क्विरल्स, लंगूस, स्लेंडर लोरिस एंड वाइल्ड एलिफेंट्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन कुर्ग। उसके बाद फिफ्थ में है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। उसमें आंसर लिखना है मैटिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज 250-260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु बाय रोड। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर बेंगलुरु इनटू ब्रैकेट 135 किलोमीटर एंड बेंगलुरु इनटू ब्रैकेट 260 किलोमीटर फुल स्टॉप। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट नहीं, ओके नाउ वी आर स्विच ओवर टू टी फ्रॉम आसाम। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर जो है पर्टिकुलरली नहीं है, ओके बट लुक एट दिस वर्ड ऑन की डाउन फोर ऐसा ऐसा है, तो उसमें कुछ आपको करने का नहीं है ना, वो सारा ग्रामेटिकल पोर्शन है, विल सी नेक्स्ट, उसका कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट टी, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बट एडिशनल क्वेश्चन इसमें हमेशा दिए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम जो है आपका बोर्ड का एग्जाम इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन एडिशनल भी पूछते हैं कि ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है कि टेक्स्ट में जितने क्वेश्चन है उसी में से आएगा, ऐसा नहीं होता। मे बी इट इज पॉसिबल कि आपको जो नॉलेज दिया गया है लेसन का उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, दे आर राइट। तो एडिशनल जो क्वेश्चन है वो हम वन या टू क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पूरा का पूरा आपका क्या बोलते हैं उसका, हाँ लेसन का पूरा जो है वो वर्क आ जाता है। लिखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन काफी है और इसमें सारा पूरा लेसन है वो आ जाएगा, है ना। ओके व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी, व्हाई वाज ही मोर एक्साइटेड देन हिज फ्रेंड पांडू। आंसर, राजवीर अ क्लासमेट ऑफ पांडू इज विजिटिंग ढेकियाबाई, ऐसे ही बोलते हैं, उसका स्पेलिंग जो है स्पेल अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस यही है, टी एस स्टेड इन आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली ही इज एंजॉयिंग द ट्रेन जर्नी टू आसाम विद हिज फ्रेंड प्रांजल हुज फादर मैनेज्ड ढेकियाबाई टी एस स्टेड, द ब्यूटीफुल सीनरी फैसिनेट राजवीर, इट इज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, ही सीज so much greenery for the first time in his life. Now the landscape changes, the perennials give way to tea bushes. A sea of tea bushes are stretching as far as eyes can go. The orderly rows of bushes are pranced to the same height. Group of tea pluckers are carrying bamboo baskets on their backs. They are plucking the newly sprouted leaves. The magnificent view fascinates Rajveer. However, Pranjal is not so much excited. These views are not new to him. He was born and brought up on the tea plantation. So, uske liye koi nayi baat nahi thi. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, व्हाट आर डिफरेंट इवेंट्स रिलेटेड टू टी लीव्स, अलग अलग जो स्टोरीज थी वो सुन लेते हैं, क्या है उसका आंसर, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 बिफोर क्राइस्ट बीसी, इन फैक्ट वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी केम फ्रॉम चाइनीज। According to one Chinese legend, there was a Chinese emperor. He always boiled water before drinking it. One day, some leaves from the trees burning.
It is said that he cuts off his eyelids because he feels sleepy during meditation. It is said that 10 tea plants grew out of his eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. In Europe, tea came as late as the 16th century. It was drunk more as medicine than as beverage. Okay, this is all about this question answer. Part 1, 2 and 3. Anna, first of all, we already complete bacon from Goa, then food, and then tea from Assam. Tea from Assam. This is the question answer. I additional required. You have to write it down. याद रखना जो भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं होमवर्क में आपको दिए हो या नहीं दिए हो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक यही सारे क्वेश्चन हैं इन्हीं में से बोर्ड में पूछे जाएंगे ये बात 110% श्योर है तो उसके लिए कोई लेजीनेस मत दिखाना लिखने में थोड़ा फुर्ती दिखाना ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन क्वेश्चन आंसर We will see in a new topic in our next lecture. Till then, thank you.